हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं सूजी चॉकलेट केक। दोस्तों, मैं हूं माधवी और माधवीज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही डिलीशियस सॉफ्ट और स्पंजी सूजी चॉकलेट केक, जो बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। ये बना है घर की बहुत ही कॉमन सी चीज़ों से, जो कि आपको घर में आसानी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही ईजी और आसानी से बन जाने वाला ये सूजी चॉकलेट केक, जो खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही जो बेल आइकन है बगल में उसे दबाना ना भूलें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं सूजी चॉकलेट केक। सबसे पहले सूजी चॉकलेट केक के लिए हम बैटर रेडी करेंगे। तो मैं एक ब्लेंडर ले रही हूँ। यहाँ पर ब्लेंडर में हम बैटर बनाएंगे। इसमें मैंने लिया है 1 कप सूजी। ये थोड़ी मोटी वाली सूजी है, तो इसे सबसे पहले ग्राइंड कर लेंगे हम। ये जो मैंने मेजरिंग कप लिया है, ये स्टैंडर्ड 200 मिलीलीटर वाला मेजरिंग कप है। ये देखिए, मैंने सूजी को ग्राइंड कर लिया है, तो ये सूजी बिल्कुल फाइन हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1/2 कप दही, और आप इसमें फ्रेश कर्ड यूज कीजिएगा। इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। दही इसमें खट्टा वाला यूज़ ना करें, नहीं तो केक का टेस्ट खराब हो जाता है उससे। और हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर और 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं या घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध, और इन सभी चीज़ों को हम ब्लेंडर में एक बार फिर से ब्लेंड कर लेंगे। इसे ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, 30 सेकेंड काफ़ी है। तो ये देखिए, 30 सेकेंड ब्लेंड करने के बाद ये हमारा बैटर इस तरह का रेडी हो जाएगा। बैटर एकदम स्मूथ बैटर बना है हमारा, और इस बैटर को हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। क्योंकि ये सूजी का बैटर है, तो इसे हमें थोड़ी देर के लिए फूलने देना ज़रूरी है। तो ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी है अभी बैटर की, और इस बैटर को हम थोड़ी देर के लिए फूलने देंगे। इसे ढककर हम करीब 30 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, ताकि जो सूजी हमारी है वो अच्छे से फूल जाए और रेडी हो जाए बैटर। सूजी हमारी फूल कर रेडी होने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुकर को प्रीहीट कर लेंगे। कुकर को मैंने गैस पर रखा है। इसमें डाल दिया है मैंने 2 छोटा बाउल भरकर, मैंने इसमें नमक डाला है नीचे बेस में, और इस पर इस तरह से कटोरी उलट कर रख देंगे और इसे ढककर प्रीहीट होने देंगे। अगर आप सॉल्ट नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। प्रीहीट करेंगे हम मीडियम हीट पर 10 मिनट के लिए। अब हम केक टिन रेडी कर लेते हैं। ये 6 इंच का केक टिन मैंने यहाँ लिया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे चारों तरफ अच्छे से फैला दूंगी इस तरह से, और इसमें डाल देंगे हम बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा इसमें डालकर और मैदे को अच्छे से डस्ट कर लीजिए चारों तरफ, तो आपका केक टिन रेडी हो जाता है। केक आपका चिपकेगा नहीं केक टिन में। और इस तरह से पेपर लगाकर आप ऑयल से एक बार और ग्रीस कर लीजिए। आप बटर पेपर की जगह कोई सिंपल सा पतला वाइट पेपर भी ले सकते हैं। ये देखिए, 30 मिनट हो चुके हैं। जो सूजी हमारी है वो अच्छे से फूल कर रेडी हो गई है। ये देखिए, बैटर भी थिक हो चुका है। ये देखिए, बैटर हमारा कितना थिक है। तो इसे हम थोड़ा सा पतला करेंगे। इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क। और इसे बैटर में अच्छे से मिला लेंगे। बैटर को ज्यादा पतला हमें नहीं करना है, तो इस तरह से हम बैटर को मिला लेंगे। ये देखिए, ये बैटर की कंसिस्टेंसी अभी परफेक्ट है। अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सूजी केक में हमेशा बेकिंग पाउडर या इनो, जो भी आपको डालना है, वो हम लास्ट में ऐड करते हैं जब हमें बेक करना हो, और इसे हम अच्छे तरह बैटर में मिला लेंगे। और हल्के हाथों से मिलाएंगे, ताकि जो एयर इस बैटर में है वो निकल ना जाए। तो ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स हो गया है हमारा जो बेकिंग पाउडर है बैटर के अंदर। और अब हम तुरंत इस बैटर को
केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए केक टिन में मैंने डाल दिया बैटर को और इस तरह से थोड़ा टैप कर लेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाए। और इसे हम तुरंत रखेंगे बेक करने के लिए। तो कुकर भी हमारा प्रीहीट हो चुका है, तो हम केक टिन को इसके अंदर रखेंगे, बहुत ही केयरफुली रखेंगे, कुकर बहुत गर्म है। और इसे हम ढककर बेक होने देंगे करीब 30 से 35 मिनट के लिए। आप चाहें तो बीच में आप इसे चेक भी कर सकते हैं ताकि जो केक है हमारा जल न जाए। फ्लेम हम रखेंगे स्लो से मीडियम के बीच में। कुकर में विसिल और गैस्केट नहीं लगाएंगे। और इसे अगर आप ओवन में बेक करना चाहें तो इसे 30 से 35 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे आप बेक कर सकते हैं। 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम केक को थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये देखिए केक हमारा काफ़ी फूल चुका है, तो एक नाइफ से हम केक को चेक करेंगे। ये देखिए नाइफ में थोड़ा सा बैटर लगा हुआ है केक का, आप देख सकते हैं ना, थोड़ा सा बैटर नाइफ में लगा हुआ है। इसका मतलब है केक हमारा अंदर से अभी कच्चा है, तो हम इस केक को ढक देंगे 5 मिनट के लिए और बेक होने देंगे हम। पांच मिनट के बाद हम केक को फिर से चेक करेंगे। फिर से चाकू से हम चेक कर लेते हैं केक को। ये देखिए इस बार हमारा जो चाकू है एकदम क्लीन है, इसका मतलब है केक हमारा पूरी अच्छी तरह से बेक हो चुका है। इसे अब हम कुकर से निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। अगर आपके केक का ऊपर का लेयर क्रैक हो गया हो तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये कभी कभी ज़्यादा ओवन या कुकर ज़्यादा गर्म होने से ऊपर का जो लेयर है वो क्रैक हो जाता है, तो उसे हम बाद में फिक्स करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो ये देखिए हमारा जो केक है वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे केक टिन से। ये देखिए काफ़ी आसानी से हमारा जो केक है वो निकल जाता है। ये जो पेपर है अब हम निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं बहुत ही स्पंजी केक हमारा बनकर रेडी हुआ है। इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये देखिए काफी स्पंजी केक बना है। और एक बात का ध्यान रखें, आप जब भी केक को ठंडा होने के लिए रखें उसे आप हमेशा ढककर रखें। उससे क्या होगा ना, हमारा जो केक का ऊपर का लेयर है वो हार्ड नहीं होगा ठंडे होने के बाद। आप केक को इस तरह से कट करके सर्व भी कर सकते हैं या फिर आप इसे थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं ऊपर। तो ये जो हमारा केक ऊपर से क्रैक हो गया है उसे हम फिक्स करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे थोड़ा सा चॉकलेट स्प्रेड। अगर आपके पास चॉकलेट स्प्रेड है तो आप उससे इसे डेकोरेट कर सकते हैं, या आप इसकी जगह में डेरी मिल्क या कोई भी चॉकलेट है आपके पास उसे आप मेल्ट करके इस तरह से आप केक को डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही इजीली हो जाता है, इसके लिए आपको बहुत सारी तैयारियां करने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं कलरफुल शुगर बॉल्स से अगर आपके पास है, और अगर आपके पास शुगर बॉल्स नहीं है तो आप इसके ऊपर कोई भी अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट्स जो भी घर में अवेलेबल है उससे आप केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है और बहुत ही मॉइस्ट केक है। ये देखिए आप इसका स्पंज, बहुत ही स्पंजी टेक्सचर बना है इसका। तो दोस्तों आई होप मेरी रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम चीज़ों में आप ये बहुत ही स्पंजी और टेस्टी केक बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी और अपने कमेंट्स देकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं मेरी ऐसी ही एक आसान सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।